हिंदुस्तान ने कितने साल गुलामी का झेला? लगभग लगभग 200 साल के आसपास। इस 200 साल की गुलामी के दौरान एक सबसे बड़ा नाम निकल के आया कौन? महात्मा गांधी, जिनके फुटप्रिंट को फॉलो करके हमको क्या मिली? आज़ादी। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था कि इंडिया रिसाइड्स इन विलेज, भारत कहाँ बसता है? इसके गांवों में बसता है। जब तक अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, जब तक गांव का उत्थान नहीं होगा, तब तक इसका उत्थान नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए गांव के वेलफेयर के लिए एक स्कीम के तहत कुछ योजना बनाई जानी आवश्यक थी, जो किसका उत्थान करती? गांव का उत्थान करती। ठीक, अगर फिलोसॉफी की बात करें तो गांधीवाद को हम देख सकते हैं एक कोर ओरिजिन के तौर पे या कोर आइडियोलॉजी के तौर पे, जो कि रूट कॉज थी पंचायती राज के, किसका? राइस का। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास ना उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे कि हम तत्काल पंचायतों पे क्या कर सकते, काम कर सकते एक तरीके से होने हैं। 1984 एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है, किसकी? इंदिरा गांधी की। और एक नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी का एक फेमस स्टेटमेंट आता है, कांग्रेस की ही एक सभा होती है जिसमें वो कहते हैं कि अगर हम केंद्र से स्टेट के डेवलपमेंट के लिए या लोअर स्टेटा के डेवलपमेंट के लिए 100 रुपये भेजते हैं तो नीचे केवल 18 रुपये पहुंचता है, 82% 82 पैसा या 82 रुपये या 82% किसका शिकार हो जाता है? भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। कहने का मतलब साफ था कि आने वाले टाइम पे एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देना होगा जिसके तहत कि लोअर स्टेटा का डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा? सेंटर के ऊपर। और ये आपका टारगेट था कि केंद्र पंचायती राजों को क्या करे? सशक्त करे, और फाइनेंस और एग्जीक्यूशन में यहाँ पर पंचायत के स्तर पे, पंचायत के लेवल पे इनको दो तरीके के पावर दे। एक, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कैसे होगा? जब यहाँ पे क्या होंगे? चुनाव होंगे, और लोकल बॉडी के इलेक्शन क्या होंगे? रेगुलर इंटरवल पे होंगे। दूसरा, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करना। फाइनेंस प्रोवाइड करने का पर्पस क्या था? सेंटर सीधे सीधे पैसा किसको भेजती, बताइए? पंचायतों को। तो बीच का जो ये लेवल था जहाँ से इनफिल्ट्रेशन के चांसेस थे, वो इनफिल्ट्रेशन क्या हो जाता? कम हो जाता। राजीव गांधी के टेन्योर पे पंचायती राज एक एक्ट नहीं बन पाया, और राजीव गांधी की डेथ के बाद इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन भी क्या रहा? नहीं रहा स्मूथ, नहीं रहा। 1992 एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं, पी वी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के आने के बाद उस ड्राफ्ट पे फिर से क्या होता है? काम चालू होता है। और 1993 में एक श्रद्धांजलि के तौर पे ही कहा जाए तो 1993 में पंचायती राज को किसका दर्जा मिलता है? एक एक्ट का दर्जा मिलता है 1993 में। सो पंचायती राज एक्ट बनाने के लिए संविधान में एक क्या किया गया? संशोधन किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट को हम जानते हैं 73rd अमेंडमेंट 1993 के नाम से, 73rd अमेंडमेंट ऐसे लिखते हैं ना, 1993। पंचायती राज अब एक क्या बन गया? कानून बन गया, एक एक्ट बन गया। जब एक्ट बन गया तो हर एक स्टेट को इसके तहत क्या होना करना जरूरी हो गया? चुनावों को करवाना जरूरी हो गया। हर 5 साल में आपको चुनाव कराने हैं। हर राज्य का राज्यपाल एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा, जो कि क्या करेगा? इलेक्शन कराएगा, पंचायतों को नॉमिनेट किया, पंचायतों का एक वोटर लिस्ट तैयार किया जाएगा, पंचायतों को नोटिफाई किया जाएगा, और प्रॉपर तरीके से क्या होंगे? इनका इलेक्शन को करवाया जाएगा। साथ ही साथ इनको फाइनेंस अपलोड करने के लिए या फाइनेंस या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस को बाहर से इनके इन्फिल्ट्रेशन के बीच में रोकने के लिए क्या किया जाएगा? एक, बोलिए, फाइनेंस स्टेट राज्य वित्त आयोग या स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा।